30 डेज ऑफ प्रोग्रामिंग इन HTML का Day 6 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं और इसके अंदर भी हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो के रिलेटेड होगा लिस्ट के। और हम देखेंगे कि कौन कौन सी लिस्ट HTML के अंदर हम यूज़ करते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करके भी चेक करेंगे। तो आए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना जो HTML पेज है उसको एक टाइटल देते हैं लिस्ट के हवाले से। तो लिस्ट के हवाले से हम देते हैं लिस्ट ऑपरेशंस, तो ये हमने इसको टाइटल दे दिया। इसके बाद अगर हम इसकी बॉडी की तरफ चले जाएं तो बॉडी के अंदर हम अब दो किस्म के लिस्ट जो है ना यहाँ पे इंसर्ट करके चेक करेंगे, क्योंकि लिस्ट जो है वो HTML के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी लिस्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और किस तरह उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने के लिए आपने जो टैग यूज़ करना है वो OL होगा, यानी कि ओ और स्मॉल एल आपने जब लिखेंगे तो वो ऑर्डर लिस्ट को जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके बाद आपने इस टैग के अंदर LI यानी कि लिस्ट आइटम का टैग यूज़ करना है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो भी आपने आइटम को मेंशन करना है तो आपने उस आइटम को मेंशन करने के लिए LI टैग यूज़ करना है। तो उसका भी हम यूज़ करते हैं LI टैग का, और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो इसका क्लोजिंग टैग तो खुद ब खुद आता जा रहा है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर जैसे ही हम एलिमेंट एंटर करते जाएंगे तो वो उसको नंबरिंग देता जाएगा, एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर के अंदर हमें डिस्प्ले कराएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं। तो हम हेडिंग टैग का यूज़ करते हुए हेडिंग 6 टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम इसको हेडिंग दे लेते हैं लिस्ट ऑपरेशंस के नाम से, या कोई और हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं। जैसे हम कोई एक ऑर्डर लिस्ट बनाना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कंप्यूटर्स की, तो ये हम कंप्यूटर दे लेते हैं यहाँ पे जो है ना यहाँ पे हेडिंग, और उसके बाद एक लिस्ट ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह HP एक कंप्यूटर बनाने की कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं LI टैग को, और इसको ही यूज़ करते जाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। तो 3-4 यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि किस तरह ये जो है ना ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे टैग काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिनोवो डाल लेते हैं, उसके अलावा यहाँ पे हम डेल को इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे IBM को इंसर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम सेव करेंगे और यहाँ पे लाइव सर्वर के साथ इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है हमें ऑर्डर्ड लिस्ट एक प्रोवाइड करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यह सबसे पहले इसने जो है ना हमें क्या किया है, हेडिंग दे दी है और उसके बाद एक ऑर्डर लिस्ट दे दी। तो हेडिंग हमारी बहुत छोटी नज़र आ रही है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम H1 टैग का यूज़ करके देखते हैं कि हमारी हेडिंग कैसी नज़र आती है। तो यहाँ पे हम जो है ना H1 हेडिंग यूज़ की है और ये रीलोड हुआ। अभी हमें कंप्यूटर्स के बारे में बता रहा है, उसकी कंपनीज के बारे में, और एक पूरी ऑर्डर लिस्ट हमें दे रहा है। तो आप जब वेब पेज डिज़ाइन कर रहे होते हैं HTML के लिस्ट यूज़ करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। तो उसके लिए फिर आप दो किस्म की लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्डर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और अनऑर्डर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अनऑर्डर्ड अगर आपने यूज़ करनी है लिस्ट तो उसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है। इसके अंदर ही हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। जहाँ पे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग डाला है वहाँ पे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने जहाँ हमारा ओ लिखा हुआ था वहाँ हम यू लिख देंगे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगा, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग में भी यू मेंशन करेंगे और दरमियान में हम यही रहने देंगे। तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये अब एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन चुकी है। तो ये दो किस्म की लिस्ट हैं जो कि HTML के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो आपने इनके टैग्स भी अच्छे तरीके से जो है ना वो कहीं लिख लें या फिर इनको याद रखें, बहुत इजी टैग है और टैग खुद ही बता रहा होता है कि वो किस लिए यूज़ हो रहा है। तो आप अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट डे के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।